वर्ल्ड। सो आज हम आए हैं जियो वर्ल्ड ड्राइव वर्ल्ड ऑफ क्रिसमस। तो ये लोकेटेड है बीकेसी में, और बीकेसी में जियो के दो लोकेशन है जहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो। एक है जियो वर्ल्ड ड्राइव और एक है जियो गार्डन। तो जियो गार्डन में भी फेयर लगता है पूरा क्रिसमस का, वो ज़्यादा एक्सपेंसिव है एंट्री चार्जेस, वहाँ पे पूरे एक्टर्स वगैरह आते हैं। जहाँ हम गए थे वहाँ का एंट्री चार्जेस कम है एज़ कम्पेयर टू जियो वर्ल्ड जियो गार्डन के जियो वर्ल्ड ड्राइव में। तो यहाँ पे आप जा सकते हो, और यहाँ की एंट्री मुझे इनवाइट आया था इसके लिए मैं गई। इससे पहले मैंने देखा था ऑनलाइन जियो गार्डन का, तो बहुत कॉस्टली था लास्ट ईयर, तो और वो ख़त्म होने आया था क्योंकि इसे सैटरडे संडे ही होता है। अब मैं ये वीडियो डालने वाली हूँ जब ही ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, मतलब मैं क्रिसमस के दिन डाल रही हूँ। और लिटरली बोलूँ यहाँ पे एंट्री चार्जेस फ्री थी, लेकिन जो अंदर के जो कॉस्ट थे ना, ओ माय गॉड, सब एंड ऑफ वीडियो में आपको बताऊँगी। तो यहाँ का डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, 10/10 दूंगी मैं उसको। डेकोरेशन इतना अच्छा था, बच्चे लोग को बहुत मज़ा आ रहा था। प्लस यहाँ पे गेम्स थे, और गेम्स के चार्जेस ओ माय गॉड, 150 रुपीज़ का एक गेम, और जिसमें आपको फायरिंग्स ही मिलेगी, और फायरिंग्स में कुछ ऐसे कुछ होता नहीं है। प्लस बॉल वाला जो हमने खेला वो भी 150 का था। कोई भी गेम आप खेलो 150 का स्टार्टिंग है, जो कि मुझे कॉस्टली लगा। 50 रुपीज़ का मेले में होता है, आप कोई भी मेले में चले जाओ 50 रुपीज़ का पर गेम होता है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ ही होता है वो गेम मेरे हिसाब से। तो और ये तो फ्री ऑफ था, ऐसे ही जस्ट बनाया हुआ था, बच्चे लोग के लिए फ़न था, तो ये खेल सकते थे उन लोग। प्लस वहाँ पे टैटू पेंटिंग का था 650 रुपीज़, अगर आप टैटू बनवाते हो। मेरी डॉटर तो बहुत ज़िद करी थी, मैंने बोला बेटा घर पे चलो मैं खुद अपने हाथ से टैटू बना देती हूँ आपको, यहाँ पे टैटू बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो वेस्ट ऑफ लगा मुझे टैटू, मतलब वो पेंटिंग वाला टैटू वो 600 रुपीज़ का। प्लस आप बच्चे लोग कुछ आर्ट एंड क्राफ्ट कर रहे हैं, उसके चार्जेस कुछ 600-700 रुपये। प्लस वहाँ पे ना एक्सेसरीज मिल रही थी, तो मुझे एक एक्सेसरीज बहुत अच्छी लगी जो ऑनलाइन 1000 रुपीज़ के अंडर है, वहाँ पे थी 2500 की, 3000 की। सारी ज्वेलरी जितनी भी है ना, ये सब कॉस्टली है, कोई भी आपको 200-300 में नहीं मिलने वाला है। और ये लॉलीपॉप, ओ माय गॉड, इस लॉलीपॉप से मैं बहुत इरिटेटेड हूँ, क्योंकि एक लॉलीपॉप था 150 रुपीज़ का, और माहिर ने ज़िद किया, उसके बाद सुहाना ने भी ज़िद किया। सेंटा क्लॉस ने जो गिफ्ट दिया था वो फ्री था, वो स्टिकर दिया था और एक पेंसिल दिया था बस, और बाकी जितने भी चीज़ थे उसके चार्जेस बहुत थे। तो मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह है। एंट्री अगर मैं चार्जेस पे करती ना, तो 2500 रुपये हम चार दिन के टिकट होती एंटर करने की विद GST एंड ऑल, क्योंकि 500 पर पर्सन है प्लस GST है। तो मैंने एक कार्ट में डाल के देखा था बुक माई शो में, तो मुझे बहुत ज़्यादा कॉस्टली लगा। और उसके बाद अंदर आपके अलग 2-3 हज़ार रुपये खर्च हो जाएंगे, फिर भी मेरे बच्चे लोग थोड़े अंडरस्टैंड करते हैं, मतलब मैं उनको मना कर दूँ थोड़ा सुनते हैं, माहिर नहीं सुनता है, सुहाना थोड़ा अंडरस्टैंड करती है, जिसके वजह से मेरे पैसे उतने खर्च नहीं हुए। और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको टॉपअप करवाना पड़ता है पहले कहीं पे भी कार्ड खर्च करने के लिए, वो एक कार्ड देंगे 1000 रुपीज़ का आपको टॉपअप करवाना होता है, जहाँ पे वो आपको 950 रुपीज़ ही देंगे, 50 रुपीज़ वो कार्ड लेंगे, नेक्स्ट आप वापस टॉपअप करवाते हो तो 10-10 रुपये वो काटेंगे। मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आई। और एक कार्ड देते हैं कि आप कोई भी गेम खेल रहे हो तो स्टैम्प करो, तो उतना गेम तो मैं खेलने वाली नहीं थी, वो कार्ड ऑफ वेस्ट ऑफ हो गया। और ये जो मसाला डोसा ये खा रहे हैं ना मेरे बच्चे, वो है 350 रुपीज़ का एक मसाला डोसा, जिसमें किसी का भी पेट नहीं भरा, और अंदर सब इतना एक्सपेंसिव था ना, मतलब एक कोई भी खाने की चीज़ मिनिमम 300 से स्टार्ट हो रही थी, कोई भी 100-200 का कोई खाने की चीज़ थी नहीं। और ऐसा कुछ नहीं था कि जिसमें एक पर्सन पूरा 500 रुपये का कुछ सामान ले लो, पिज्ज़ा एंड ऑल, जिसका पेट भर जाए, ऐसा कुछ नहीं था वहाँ पे। एक पानी की बॉटल, जस्ट इमेजिन, एक 500 ml की बॉटल पानी की 100 रुपये, और अंदर कोई पानी और कोई रखा हुआ नहीं है, जहाँ पे अगर आपको बच्चे को प्यास लगी है तो वो बेचारा तरस जाएगा, लेकिन पानी आपको खरीद के ही पिलाना पड़ेगा, क्योंकि मिनिमम बॉटल है 100 रुपीज़ की है वहाँ पे। ऐसे हमने बहुत इंजॉय किया, ऐसे विदाउट टिकट के मेरे ऑलमोस्ट 2500-3000 रुपये खर्च हो गए ट्रैवलिंग एंड ऑल, क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है, और प्लस अंदर जो भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो सब। और कार्ड में अगर पैसे बच जाते हैं तो वो आप अगर नेक्स्ट टाइम आते हो तो शायद यूज़ होगा, नहीं तो वो वेस्ट ऑफ है। मैं तो कभी नहीं जाऊँ वापस से यहाँ पर लिटरली। मुझे डेकोरेशन सब कुछ अच्छा लगा है, जितने शॉप बन रहे हैं उसमें भी जितने सामान मिल रहे थे क्रिसमस डेकोरेशन के, सब कॉस्टली थे। आप कुलाबा चले जाओ, आपको बहुत रिजनेबल रेट में मिलेंगे।
फिर फाइनली हमें इतनी भूख लग रही थी कि हम चले गए मॉल के अंदर ही एक फ्रेश करके पूरा एक ग्रोसरी का था आइटम, वहाँ पे हम गए। वहाँ पे मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी, क्यूट थिंग, छोटी सी ट्रॉली जिसमें बच्चे आराम से, उनको बिजी कर दो वो हमें परेशान नहीं करेंगे। तो माहिर ने फुल इन्जॉय किया इस ट्रॉली को लेके। प्लस एक और एक ट्रॉली थी जहाँ पे नीचे कार है, बच्चा आराम से बैठ के माँ को परेशान नहीं करेगा और आप अपना सामान खरीद सकते हो। ये यहाँ पे भी होनी चाहिए, डीमार्ट एंड ऑल में, नॉर्बेट, इन्फिनिटी, ये सब में होनी चाहिए। ये बाहर का डेकोरेशन है। तो फिर हम कार का वेट कर रहे थे। बस आज के व्लॉग में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए एंड शेयर करिए। और अगर आपको जाने का मन है जियो वर्ल्ड ड्राइव में तो आप जा सकते हो, सिर्फ सैटरडे संडे है। लेकिन जब मैं ये वीडियो डाल रही हूँ तो ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा फेयर, नेक्स्ट ईयर आप जा सकते हो। बाय गाइज़।